गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर रिस्पेक्टेड हरमन मैम एंड डियर ऑल माय फ्रेंड्स. आई विजय सिंह, माय रजिस्ट्रेशन नंबर इज 1210-8764 एंड आई एम बीपीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. टुडे माय टॉपिक इज वॉलीबॉल. मैं आपको वॉलीबॉल के मेजरमेंट, बॉल के रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब बताऊंगा और कोर्स कोड है हमारा PED 409. तो हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने वॉलीबॉल का ये ग्राउंड बनाया है यहाँ पर मेजरमेंट. ओके, तो हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं इसके मेजरमेंट्स. ठीक है, तो जो वॉलीबॉल का जो ग्राउंड होता है उसका जो वॉलीबॉल का जो ग्राउंड का जो मेजर जो शेप होती है वो होती है रेक्टेंगल शेप होती है. ओके, जो इसकी विड्थ है ये इसकी 18 मीटर, 18 मतलब हाफ ओवर्स का. जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी जो लेंथ है वो होती है 18 मीटर, मतलब इसका हाफ. ये हमारा नेट है, दिस इज आवर नेट, ये हमारा नेट है. इसका इधर होगा 9, इधर होगा 9. इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर, विड्थ हम इसे कहते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. इसकी जो सेंटर लाइन है ये हमारी सेंटर लाइन हुई और इस पोर्शन को अटैकिंग लाइन बोलते हैं. ओके, जो अटैकिंग लाइन होती है वो होती है 3 मीटर की. ओके, जो इसकी अटैकिंग लाइन होती है वो होती है 3 मीटर की, जैसे आपको बताया 3 मीटर. और जो सेकंड जहां पर हम लोग करते हैं वो होता है 6 मीटर का. ठीक है, इसका ये हुआ 6 मीटर. अटैकिंग लाइन टू एंड लाइन, अटैकिंग लाइन से एंड लाइन होगा 3 मीटर. ओके, उसके बाद इस लाइन की ये जो लाइन है साइज, इसकी थिकनेस होती है 5 सेंटीमीटर. ये जो पूरा ग्राउंड है इसकी जो विड्थ, जो लाइन मार गई है उसकी जो मोटाई है वो मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर. ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं जोन. जो इसका अटैकिंग लाइन है, जैसे कि आपको बता रहा हूं इसकी अटैकिंग लाइन होती है 3 मीटर की. ओके, क्लियर. तो अब हम लोग पोल की बात करते हैं. ये जो वॉलीबॉल का जो पोल होता है, ये पोल हमारा यहां होता है, इस जगह पे पोल होता है. ओके, जो इसका पोल होता है, पोल की जो हाइट होती है, हाइट आप कहने का तो समझ रहे होंगे, हाइट इसकी जो हाइट है वो होती है 2. पोल की इसकी जो बीच का जो पोल है, पोल की हाइट होती है 2.55 मीटर. ओके, और विड्थ डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन से पोल, यहां पर हमारा पोल है, पोल से लाइन से कितना डिस्टेंस है 1 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम 1 मीटर का होता है. ओके, और डिस्टेंस बिटवीन पोल टू पोल, ये जो दोनों पोल है हमारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक पोल हमारा इधर है और एक पोल हमारा इसका इधर है, तो पोल का डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम 11 मीटर और मिनिमम होता है 10 से 11 मीटर के बीच में. ओके, इसके बाद हमारे इसकी नेट की बात करते हैं. इसका जो यहाँ पर नेट, इसका जो बीच का जो नेट होता है वो नेट की कुछ शेप इस तरीके से होती है, जैसे कि आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूं, नेट कुछ इस तरीके का होता है. ओके, तो लेंथ, नेट की जो लेंथ होती है वो होती है 9 मीटर टू 10 मीटर. ओके, और जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 1 मीटर की, इसकी विड्थ होती है 1 मीटर की चौड़ाई होती है इसकी. ओके, और टॉप बैंड, जो इसके ऊपर एक बैंड टाइप लगता है जिसपे बॉल टकरा सकती है, उसकी हाइट होती है 7 सेंटीमीटर. ओके, और साइड बैंड की हाइट होती है 5 सेंटीमीटर. क्लियर, तो इसके बाद जैसे कि हम ये खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग चलते हैं बॉल. जैसे कि आपको दिखा देता हूं, बॉल ये होती है वॉलीबॉल. इसका जो प्रेशर, हम लोग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो हम लोग प्रेशर रखते हैं, इस वॉलीबॉल का प्रेशर जो होता है वो होता है 0.302345 सेंटीमीटर. ओके, और इसकी जो वेट होती है वो होती है 260 ग्राम टू 280 ग्राम. ओके, और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन टीम, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 12. एक टीम के अंदर 12 प्लेयर होते हैं और प्लेइंग होते हैं हमेशा सिक्स प्लेयर्स हमेशा प्ले करते हैं. ओके, और इसके बाद सिक्स प्लेयर होते हैं सब्स्टिट्यूट, सिक्स प्लेइंग में होते हैं और सिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूट के अंदर. ओके, अब जैसे मैं आपको गेम बताता हूँ, बेस्ट ऑफ 5 सेट होते हैं, ईच सेट 25 का होता है, 25 पॉइंट. कितने मिनट की होगी यहाँ बॉल, जो बॉल का जो वेट होता है, बॉल का वेट होता है 260 ग्राम टू 280 ग्राम. ओके, और बॉल का जो सर्कमफेरेंस होता है 65 सेंटीमीटर होता है, एयर प्रेशर होता है 0.03 मीटर. ठीक है,
प्लेयर्स की बात करते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं 12, 6 प्लेयर्स प्ले करते हैं और 6 होते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए। अब हम लोग गेम की बात करते हैं, सेट ऑफ 5 होता है, ईच गेम 25 का होता है, ओके। और 15 पॉइंट के बाद जो लास्ट सेट होता है, 15 पॉइंट के बाद 8 पॉइंट के दो दो काउंट होते हैं, उसके अंदर बीच में 2 मिनट का गैप दिया जाता है। रेस्ट बिटवीन द ईच, जो हमारे 5 सेट होते हैं, 5 सेट के अंदर हमें जो रेस्ट दिया जाता है 3 मिनट का एक सेट के अंदर, मतलब जैसे कि फर्स्ट सेट आपका खत्म हुआ तो आपको 3 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपका सेकंड सेट होगा, और उसके बाद आपका सेकंड सेट जैसे खत्म होगा उसके बाद 3 मिनट का आपको दोबारा गैप मिलेगा, थर्ड मैच होती है फिर 3 मिनट का, ऐसे आपको टोटल 5 सेट तक मिलेंगे, ओके। टेक्निकल टाइम आउट होता है, टेक्निकल मतलब इमरजेंसी, आपको कोई टाइम आ जाए, आपको कोई इशू आ जाए तो आप 60 सेकंड्स मतलब एक मिनट का टाइम आउट ले सकते हैं, ओके। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट कंटिन्यू अंटिल टिल, जैसे कि लास्ट आपका 24 ईच हो गया, तो जो टीम लगातार 2 पॉइंट लेगी वो टीम विनर होगी, अगर जो एक एक पॉइंट लेंगे तो ड्यूज माना जाएगा, काउंट नहीं हो पाएगा, ओके। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ टेक्निकल टाइम आउट की, ईच टाइम सेट अप 4 सेट्स, ओके, ये आपको क्लियर है। अब ऑफिशिएटिंग की बात करते हैं, एक रेफरी मेन होता है, फर्स्ट रेफरी, सेकंड रेफरी एक होता है, स्कोर बोर्ड पे एक होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर हमारा नेट है और नेट के इस साइड पे ये रहा, यहाँ पर स्कोर खड़ा होता है, स्कोर बोर्ड का एक होता है रेफरी जो यहाँ पर होता है, और एक प्लेइंग टीम के सारे 6 प्लेयर सब्स्टिट्यूट वाले इधर बैठते हैं और सब्स्टिट्यूट वाले दूसरी टीम के प्लेयर इधर, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड के यहाँ पर बीच में गैप होता है, इसमें 2 मीटर गैप, और उसके बाद टीम इधर सेट करती है और एक टीम इधर सेट करती है, ओके क्लियर। एसोसिएट स्कोरर एक होता है, लाइन जजमेंट जो लाइन होती है ये, इसके लिए 2 रेफरी होते हैं, एक रेफरी इधर होता है और एक रेफरी इस लाइन पे होता है, एक रेफरी दूसरे कोर्ट की लाइन पे होगा, एक रेफरी दूसरे लाइन की कोर्ट पे होगा, बट जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसके अंदर रेफरी 4 माने जाते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, 4 रेफरी माने जाते हैं, ओके। और लाइन जजमेंट फ्लैग की जो लेंथ होती है वो होती है 40x40 सेंटीमीटर, क्लियर। अब इसके अंदर हम एंड इसका बताते हैं, कार्ड जो रेड कार्ड येलो कार्ड का जो होता है वार्निंग, सबसे पहला होता है येलो कार्ड, येलो कार्ड के अंदर प्लेयर को वार्निंग दी जाती है, क्लियर। और रेड कार्ड के अंदर क्या होता है, वार्निंग प्लस 1.2 अपोनेंट टीम एंड सर्विस टू अपोनेंट टीम, एक पॉइंट मिलेगा और सर्विस भी दूसरी टीम को मिलेगी, ये उसका प्लस पॉइंट होता है। रुक जा, फोन आ रहा है आपका व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल, बट कौन भटीचर है यार इस टाइम ही कर रहा तो वो हो जाएगा। अरे नहीं वीडियो, येलो कार्ड होता है वार्निंग के लिए और रेड कार्ड जब प्लेयर को मिलता है तो एक पॉइंट और प्लस अपोनेंट को सर्विस मिलती है, ओके क्लियर। तो इसी के साथ जैसे कि मैं आपको पूरा इंट्रो दे चुका हूं, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई एम बीपीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, माई नेम इज विजय सिंह, थैंक यू।